एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए हुए थे। उनके स्वागत के लिए देश और विदेश के लोग आए हुए थे। तब एक व्यक्ति स्वामी जी के पास हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हेलो स्वामी जी। तब स्वामी जी जवाब देते हैं, नमस्ते। लोगों को लगता है कि शायद स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती है और बातचीत चली रही थी कि एक और व्यक्ति उस बीच में से आता है और हिंदी में पूछता है, स्वामी जी नमस्ते, आप कैसे हैं? इस पर स्वामी जी जवाब देते हैं, आई एम फाइन एंड थैंक यू। ये जिससे हिंदी में सवाल पूछा था वो दरअसल अंग्रेज था। सब लोगों को बड़ा अजीब लगा और वो पूछते हैं कि स्वामी जी बड़े अजीब से व्यक्ति हैं, जो हिंदी में पूछता है उसको इंग्लिश में जवाब देते हैं, जो इंग्लिश में पूछता है उसे हिंदी में जवाब देते हैं। तो लोगों ने स्वामी जी से मुस्कुराकर उसका कारण पूछा। स्वामी जी बोलते हैं कि जब आप अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं तब मैं अपनी मातृभाषा का सम्मान करता हूं, और जब आप मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हैं तब मैं आपकी मातृभाषा का सम्मान करता हूं। जब हिंदी में पूछा तो इंग्लिश में जवाब दिया, जब इंग्लिश में पूछा तो हिंदी में जवाब दिया, यानी कि एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान किया। पूरी दुनिया में सिर्फ वह व्यक्ति महान ही नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी कहलाया। मेरे प्रिय साथियों, क्या सीख मिलती है इस बात से कि मातृभाषा या मातृभूमि से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं, मातृभाषा से सरल कोई भाषा नहीं, मां से बड़ा कोई गुरु नहीं, मां भारती जैसे कहीं संस्कार नहीं। तो ये था आज का अवेकनिंग मंत्र। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।